गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जुलाई 10 तारीख बुधवार आज रही गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्व आप समस्त अनुरोध भिडियो समस्ते गोटे गोटे लाइक करेंगे और हाँ चैनल टी दयाकोरी सब्सक्राइब मध्य करेंगे। ता सहित आपण मैंने आम भिडियो क्यों जिलार देखते आम कमेंट माध्यम निश्चय जनइबे। तो चलतु आउ डेर नक आज प्रथम खबर उपरे नजर पकाइने। बंद है पतंजलि रही चौधरी सामग्री। बंद है पतंजलि चौधरी सामग्री लाइसेंस सस्पेंड होगा। पतंजलि निजर चौधरी सामग्री को बंद कर 5606 फ्रांचाइज स्टोर को यह सामग्री प्रत्याहर करने निर्देश दिया। जगगुरु रामदेव बाबा पतंजलि आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड रौद सामग्री उत्पादन कंपनी पक्ष रोक लगाई। मोट 14 सामग्री गणमाध्यम विज्ञापन हटाया निर्देश दिखाई। सूचना मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पतंजलि विज्ञापन को नहीं मामला चलता बेले कंपनी एकाधिक प्रोडक्ट कार्यानुषान उत्तराखंड राज्य सरकार चौधरी पतंजलि प्रोडक्ट लाइसेंस रद्द कर दिव्य फार्मासी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड अधीन 14 प्रोडक्ट कार्यानुषान उत्तराखंड सरकार। एने राज्य सरकार पक्ष सुप्रीम कोर्ट एक सत्यपाठ दाखल कर सत्यपाठ में उत्तराखंड सरकार कही राज्य लाइसेंस प्राधिकरण कर्तृपक्ष पतंजलि चौधरी उत्पाद लाइसेंस रद्द करतीस एक विज्ञप्ति जारी कर पतंजलि को बेआईन विज्ञापन प्रकाशन कारण जरिमाना कारदंड कि उभय समेत कठोर आईनगत कार्यानुषान नि चेताई दिखाई। तो चलत परवर्त अपडेट नजर पकाने। रुषिया गस्तर प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय दे उद्बोधन। रुषिया गस्तर प्रधानमंत्री मोदी रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को निमंत्रण में प्रधानमंत्री मोदी मस्को गस्तर आई गस्तर उभय नेता एक गुरुत्वपूर्ण आलोचन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सह रुषिया सेनारे कार्य करुवा भारतीय देश को प्रत्यावर्तन प्रसंग उठाई जहां ग्रहण करने राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को प्रतिश्रुति कहते भारतीय मैंने शीघ्र देश को फेरबे। प्रधानमंत्री मोदी रुषिया प्रवासी भारतीय प्रधानमंत्री उद्बोधन दे कहते तृतीय पाइल तीनो बड़ काम कर भारत को विश्व तृतीय अर्थशक्ति देश करन कोटी घर तीन कोटी महिला लक्ष्यवती कर भारत एभली एक देश जो लक्ष्य नुए पूरण करता है आपण साथी थे ए लक्ष्य बहुत शीघ्र पूरण हम विदेश लोक भारत गले कहते भारत बदलू सबू चाषी महिला युवबर्ग भारत को विकसित करने को संपर्क नहीं कहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। तो चलत परवर्ती अपडेट नजर पकाने। एलपीजी के आईसी निम्ते हूं व्यस्त पेट्रोलियम मंत्री बड़ घोषणा। ऑयल मार्केटिंग कंपनी एलपीजी ग्राहकों निम्ते इक्यूआईसी लागू करते इक्यूआईसी अनिवार्य होगा पर गैस एजेन्सी मानक ग्राहकों लंबा धाड़ी लगुच ग्राहक एथपाई भोगुवा समस्या को नहीं केरल विधानसभा विरोधी दल नेता भिडी सतीश सन केन्द्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को एक पत्र लिखते एवं केन्द्र मंत्री सतीश सन पत्र जवाब देते सचेतन पत्र आग्रह करते असुविधा दूर करूँ कारण ग्राहकों समस्या आई पत्र पाया पर हरदीप सिंहपुरी एलपीजी ग्राहकों आश्वस्त करते सोशल मीडिया प्लाटफर्म एक्स सतीश सन पत्र जवाब देते पुरी कहते फेक कस्टमर को समाप्त करने को कमर्सील गैस सिलिंडर नकली बुकिंग अकुंश करने को ऑयल मार्केटिंग कंपनी इक्यूआईसी लागू करते इक्यूआईसी प्रोसेसिंग गत 8 मस रु भी अधिक समय है चलती पुरी स्पष्ट रूपे कहते इक्यूआईसी कंप्लीट होगा कौन सी निर्दिष्ट समय सीमा ना यार अर्थ ग्राहकों एलपीजी इक्यूआईसी करने को एत व्यस्त होबार ना पुरी कहते इक्यूआईसी कर उद्देश्य होगी केवल असली ग्राहकों को गैस मिलू जो गैस उपभोक्ता नहीं और नाम से गैस बिक्री जारी रही बाद पड़ तो चलत परवर्त अपडेट नजर पकाने। रसुलगढ़ हाई ड्रामा मुख्यमंत्री गाड़ी को अटकई दे महिला। मुख्यमंत्री मोहन माझी कारकेड अटकई दे महिला एभली घटना देखा मिली भुवनेश्वर रसुलगढ़ छक महिला जनक आसी मुख्यमंत्री कार सामने ठिया हो रही समय पर कारकेड अटकी रही है यापर घटनास्थल पुलिस पहुंची महिला उठाई नहीं तेज महिला जनक किए और मुख्यमंत्री गाड़ी को कहीं अटकई स्पष्ट जमापड़ना महिला जनक कहीं आचरण कले स्पष्ट होना एने घटना को अधिक तदंत कर पुलिस। तो चलतु परवर्त अपडेट नजर पकाने। भारतीय महाकाश केन्द्र नुआ डिजाइन 52 टन रच मडुल रही 6 जन भारतीय महाकाश केन्द्र नुआ डिजाइन सामना को आर ओजन हम 52 टन लंबा 27 मीटर और चौड़ा हम 20 मीटर एच मेटालिक मडुल रणत तीन रु 4 जन महाकाशचारी एथे रे कि आवश्यक पड़े सर्वाधिक 6 महाकाशचारी रही पारे भारतीय महाकाश केन्द्र केवल 3 महाकाशचारी रही पारती रही पारती 15-20 दिन किंतु नुआ डिजाइन यहाँ अंतर्जातीय महाकाश केन्द्र उत्कृष्ट निर्माण कर 2035 मसीह भारतीय महाकाश केन्द्र को कार्यकारी करने इसरोर लक्ष्य। तो चलत परवर्त अपडेट नजर पकाने। ओडिशा रे अब अधिक दुग्ध उत्पादन गोपाल पाई सरकार देवे प्रोत्साहन कहले मंत्री गोकुलानंद मल्लिक। राज्य में गोपालन वृद्धि राज्य सरकार बड़ योजना अधिक दुग्ध
उत्पादन योजना कर राज्य सरकार चाषी को गोपालन दिगरे प्रोत्साहन राशि वृद्धि सह देशी गाय रखापी सरकार प्रोत्साहन दौथ मत्स्य एवं पशु संपद विकास मंत्री गोकुलानंद मल्लिक दुग्ध उत्पादन 2000 टन रु 5000 टन को वृद्धि करने सरकार प्रयास करी को सब्सिडी मध्यम दुईट रु अधिक गाय जगह देवे सरकार यहाद्वारा महिला एवं युग मैंने आत्मनिर्भर और स्वावलंबी हो पारे गाई अधिक दुग्ध देवाई घास चाष फिडर उपर गुरुत्व दिखाई एस ग्रामांचल अम्फेड खोलियापाई सरकार व्यवस्था करपरी प्लास्टिक अंडा और अपमिश्रित दुग्ध बिक्री कले कठोर कार्यानुषान विभाग मंत्री ग्रामांचल लोक मैंने सुविधा पायापाई पंचायत स्तर एलआई और ब्लक स्तर प्राणी चिकित्सा जिला स्तर सीबीडीओ मानक निर्देश दिखाई अंडा माछ उत्पादन दुई गुणित करने को योजना हो मंगलवार प्राणी चिकित्सक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान को अचानक गस्त कर मंत्री गोकुलानंद मल्लिक तो चलतु परवर्त अपडेट उपर नजर पकाई ना आमेरिकार विनाश घटाइला बेरिल घूर्णिझड़ चार मृत 30 लक्ष घर अंधार आमेरिकार टेक्सारे घूर्णिझड़ बेरिल व्यापक विनाश घटाई शक्तिशाली घूर्णिझड़ जो बनिया परिस्थिति सृष्टि होती बात्यार चारिजन मृत्यु घटी सबुठी विद्युत सरबराह बंद हो जाएगी पाखापाखी 30 लक्ष घर और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अंधार मध्य रही नेशनल हरिकेन सेंटर सोमवार कहते बेरिल श्रेणी एक झड़ रूपे मेटोगार निकट लैंडफल करता यापर स्कूल अफिस् वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और वित्तीय संस्था गुड़ बंद कर दिया अमेरिकार घूर्णिझड़ बेले घर उपर गछ पड़ दुईजन मृत्यु घटा बेले बन्या पाणी फसी ह्यूस्टन पुलिस जन कर्मचारी जीवन चल जाई एपरी निया लगी अन्य जने व्यक्ति मृत्यु घटा सूचना रही तो चलतु परवर्ती अपडेट उपर नजर पकाई ना आज राज्य कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण बैठक बजेट पूर्वर हो पारे बड़ घोषणा आज राज्य में नवगठित बीजेपी सरकार द्वितीय कैबिनेट बैठक अनुषित हो बैठक में एकाधिक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में आलोचना करा जनापड़ी मुख्यमंत्री मोहन माझी अध्यक्षतार दिन 11:30 अनुषित हो कैबिनेट बैठक सूचना योग्य गत जून 12 तारीख में मोहन सरकार शपथ ग्रहण दिन प्रथम कैबिनेट बैठक अनुषित होता बैठक में श्रीमंदिर चारिद्वार खोला श्रीमंदिर 500 कोटी टंका कर्पस पांठि गठन राज्य में समृद्ध कृषक नीति अधीन धानर एमएसपी 3100 टंका वृद्धि और सुभद्रा योजना महिला 50,000 टंकार भाउचर प्रदान नहीं निष्पत्ति होता यह निष्पत्तिर वर्तमान स्थिति और यहाँ किपरी सुरखुरी कार्यकारी करा से नहीं बैठक में आलोचना हम से मोहन सरकार निजर 100 दिनिया कार्य खसड़ा उपर गुरुत्व दौता बेले बैठक में आउ किसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निपे जमापड़ी तो चलतु परवर्त अपडेट उपर नजर पकाई ना मुख्यमंत्री को भेटिले भारतीय इस्पात संघ सभापति नवीन जिंदल कहले अनुगुल जिंदल प्लांट हम विश्वर सर्वबृहत जिंदल प्लांट राज्य अतिथि भवन में मुख्यमंत्री मोहन माझी को भेटते जेएसपीएल मुख्य नवीन जिंदल भारतीय इस्पात संघ पक्ष सौजन्यमूलक भाव साक्षात करते विभिन्न प्रसंग में मुख्यमंत्री आलोचना करते अवसर में अनुगुल जिंदल प्लांट विश्वर सर्वबृहत स्टील प्लांट हो से कहते वर्ष मध्य दुईगुणा वृद्धि पाव इस्पात उत्पादन क्षमता 2025 सुधा सर स्टील प्लांटर संप्रसारण कार्य अनुगुल जिलूर वार्षिक 12 नियुत टन इस्पात उत्पादन आगक जिंदल प्लांटर उत्पादन क्षमता 25 नियुत टन को वृद्धि करार लक्ष्य रखाई बोली कहते जेएसपीएल मुख्य नवीन जिंदल तो चलतु परवर्ती अपडेट उपर नजर पकाई ना 11 पुणी बढ़ वर्षार प्रभाव बुड़ब अधा ओडिशा 24 घंटापाई 15 जिला को हाई अलर्ट ओडिशा रे सक्रिय रही दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु फल राज्यर किसी स्थान में लग रही वर्षा पवन गत 2 दिन हम पाग सुखिला था बेले आसंता 11 तारीख पुणी वर्षार परिमाण बढ़ पानीपाग केन्द्र आकलन करसंता 5 दिन जाए राज्यर अधिकांश अंचल हालुकार मध्यमधरण वर्षा हेबार संभावना रही समय मध्य मत्स्यजीवी मान समुद्र भितर को जीवाक बारण कराई तेज आज राज्यर किसी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो एने 5 जिला को येलो अलर्ट जारी करछि आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र तेबे से जिला गुड़िक होछि कोरापुट कंधमाल मालकानगिरी रायगड़ा और गजपति एही जिले में आज ठारु वर्षार परिमाण वृद्धि पाइब से आहुरी 11 जिला को बिजुली घड़घड़ी सह हालुका वर्षा पई मध्य येलो अलर्ट जारी होछि राज्यर दक्षिण पश्चिम मौसुमी बायु सक्रिय रही पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर संलग्न दक्षिण आंध्र प्रदेश उपर घूर्णिबलय सक्रिय रही प्रभाव में 11 तारीख राज्य में पुणी सामान्य बढ़ वर्षार परिमाण तो चलतु परवर्त अपडेट नजर पकाई ना ग्रोसरी मार्केट एंट्री करा ब्लिंकिंग को देव कड़ा टक्कर खूब शीघ्र ग्रोसरी मार्केट एंट्री करा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी माध्यम रे ओला ग्रोसरी मार्केट एंट्री कर भारत में ग्रोसरी डेलीवरी मार्केट द्रुत गति में यार काय विस्तार करुछि दिल्ली एनसीआर समेत मेट्रो सिटी एभली प्लाटफर्म लोकप्रियता अर्जन करिवार लागिछि या द्वारा व्यक्ति जनक घरे बसी फोन कॉल किंबा ओला आप माध्यम रे ऑर्डर दे पारिबे या भारतीय बाजार रे ब्लिंकिंग एवं बी बास्केट भली प्रतिद्वंदिता को कड़ा टक्कर देव तो
ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଖଲିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂଗଠନ ସିଖ୍ ଫର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ। ଖାଲିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କିତ ସଂଗଠନ ସିଖ୍ ଫର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ବଳରେ ସଂଗଠନକୁ ବ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ପ୍ରମାଣ ପରେ ସଂଗଠନ ଉପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ସିଖ୍ ଫର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଉଛି ଆମେରିକାର ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ଯାହାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୁର ପତନ ସିଂ ପନ୍ନୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। 2020 ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରେ ପନ୍ନୁକୁ ଭାରତ ସରକାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପନ୍ନୁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଏନ୍ଆଇଏ ଅଧିକାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଗତବର୍ଷ ଏନ୍ଆଇଏ ପଞ୍ଜାବ ଓ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ରେ ଥିବା ପନ୍ନୁର ସମ୍ପତ୍ତି ସିଜ୍ କରିଥିଲା। 2019 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସିଖ୍ ଫର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ। ଖଲିସ୍ତାନୀକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏହି ସଂଗଠନ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ତ୍ରିପୁରାରେ କାୟା ମେଲାଇଲାଣି ଏଚ୍ଆଇଭି। 828 ଛାତ୍ର ପଜିଟିଭ୍, ଚିହ୍ନଟ 47 ମୃତ। ତ୍ରିପୁରା ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏଡ୍ସ ରୋଗ ହେବାର ଗୁରୁତର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତ୍ରିପୁରା ରାଜ୍ୟ ଏଡ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୋସାଇଟି TSSESSର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଚ୍ଆଇଭି ଯୋଗୁଁ 47 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାସହ 828 ଜଣ ଛାତ୍ର ଏଚ୍ଆଇଭି ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। TSSESSର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 828 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଏଚ୍ଆଇଭି ପଜିଟିଭ୍ ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛୁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 572 ଜଣ ଛାତ୍ର ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣ ହେତୁ 47 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଛାତ୍ର ତ୍ରିପୁରାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ୍ରିପୁରା ଏଡ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୋସାଇଟି 220 ସ୍କୁଲ ଏବଂ 24 କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏମିତି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଚ୍ଆଇଭିର 5ରୁ 7ଟି ନୂଆ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଏହି ରାଜ୍ୟର 27 ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଇଲା ଏନ୍ଏମ୍ସି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର 27 ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେଡିକାଲ କମିଶନ ଏନ୍ଏମ୍ସି। ଆବଶ୍ୟକ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ ନ କରିବାକୁ ଏନ୍ଏମ୍ସି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଉପରେ ଏହି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ AIDS ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜ୍ୟ ସଚିବ ଅଜୟ କାମଥ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 13 ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ 11 ବେସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଉପରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ସରକାରଙ୍କୁ ସେନାର ପରାମର୍ଶ, ଶହୀଦ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ପେନ୍ସନ୍ 50%ରୁ ଅଧିକଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି। ଭାରତୀୟ ସେନା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଯେ ଅଗ୍ନିବୀର ସେବା ସମୟରେ ଶହୀଦ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପେନ୍ସନ୍ ଭଳି ସହାୟତା ଦିଆଯାଉ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ 50% କିମ୍ବା ଅଧିକ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେନା ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନିବୀର ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ସର୍ବାଧିକ 25% ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ଧରି ସେନା ଏହାର ସମସ୍ତ ୟୁନିଟ୍କୁ ଅଗ୍ନିପଥ ସ୍କିମ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିବୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମତାମତ ନେଇ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ଭେ କରିଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମତାମତ ଏବଂ ସର୍ଭେ ଆଧାରରେ ସେନା ଏହାର ସୁପାରିଶ ସାମରିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଡିଏମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୁପାରିଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଅଗ୍ନିବୀର ଶହୀଦ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜୀବନ ନିର୍ବାହକ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉ। ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ପେନ୍ସନ୍। ସୁପାରିଶରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ଯଦି ଅଗ୍ନିବୀର ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସ ଗ୍ରାଟିଆ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ବଢ଼ିପାରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରଡକ୍ସନ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କଲେ କୋର୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀ ରାଉଜ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ତାଜା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସଂଜ୍ଞାନ ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲ ଜଜ୍ କାବେରୀ ବାୱେଜା ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଓ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆପ୍କୁ ଜୁଲାଇ 12 ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଅବକାରୀ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ରୁଜୁ 7ମ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ର ସଂଜ୍ଞାନ ନେଇ ଇଡି ଦ୍ୱାରା ରୁଜୁ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ନନ୍ଦନକାନନରେ ଜନ୍ତୁ ଅଦଳ ବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଗଲେ ବାବନ ଆସିବେ ଏକୁଶ ଜୀବଜନ୍ତୁ। ନନ୍ଦନକାନନରେ ହେଲା ଜନ୍ତୁ ଅଦଳ ବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଗଲା ଧଳା ବାଘ, ତା ବଦଳରେ ଆସିବ କଳା ନମଯୁକ୍ତ ମହାବଳ ବାଘ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିର୍ସା ବାୟୋଲୋଜିକର ପାର୍କ ରାଞ୍ଚି ଓ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ନନ୍ଦନକାନନ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ତୁ ଅଦଳ ବଦଳ ପାଇଁ ଡିଲ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରୁ 7ଟି ପ୍ରଜାତିର 52ଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବଦଳରେ 5ଟି ପ୍ରଜାତିର 21ଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସିବେ। 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର 1 10-ଜଣିଆ ଟିମ୍ ରାଞ୍ଚିରୁ ଏହି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତାପଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଘଟଣ ରିଲ୍ସ କଲାବେଳେ ଖଣି ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ 2 ଯୁବକ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତାପଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଘଟଣ, 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ତାପଙ୍ଗ ବୁଲି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରିଲ୍ସ କଲାବେଳେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଖଣି ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ ନିଖୋଜ ଯୁବକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ତାପଙ୍ଗ
ସାଗରଙ୍କୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ସାଗରଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରିଛି। ଅଟକ ଥିବା ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଗମ୍ଭୀର ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ହେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଅଜୟ ସାହା ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଏଇଠି ରହିଲି, ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡିଓ ନେଇ ଆସିବି।